देखो अच्छा डायलेक्ट्रिक लिखो क्या होता है डायलेक्ट्रिक, सबसे पहले तो होता क्या है डायलेक्ट्रिक बताओ, उसके जैसा पर एग्जैक्टली इंसुलेटर नहीं होता, और उसमें डिस्टिंक्शन क्या होता है वो हम अभी इस लेवल पे समझ भी नहीं सकते, ठीक है, उसके लिए हमें थोड़े हाईर लेवल के कोर्सेज करने होते हैं। तो हमारे लेवल पे तो ये समझ लो अभी डायलेक्ट्रिक मतलब जिसमें चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि वही तो इंसुलेटर होता है, पर एग्जैक्टली सेम नहीं है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग पैरामीटर पर डिपेंड करते हैं ना, इंसुलेटर किसी और चीज़ को बोलते हैं, डायलेक्ट्रिक किसी और चीज़ को बोलते हैं, पर ये हमारे लिए नहीं है, बस इतना समझ लेना। तो इतना लिख लो, डायलेक्ट्रिक्स आर द मटेरियल्स इन विच चार्जेस कैन नॉट फ्लो, अगर चार्ज फ्लो कर लेंगे फिर तो अपना कंडक्टर हो गया। तो होता क्या है भाई, अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारी ई नॉट, किसी तरह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ई नॉट, अब तुमने यहाँ पे एक डायलेक्ट्रिक रख दिया, क्या रख दिया, तो डायलेक्ट्रिक के अंदर क्या हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है, ये डायलेक्ट्रिक रख दिया मान लो तुमने ना, तो अब इसमें यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तुम्हारी वो ई नॉट नहीं रहेगी, वो कितनी हो जाती है ई नॉट बाय के हो जाती है, तो के टाइम्स कम हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी हम रखते हैं डायलेक्ट्रिक मटेरियल में तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स क्या हो जाती है कम, अब वो के क्या कहलाता है हमारा, वो के ही हमारा कहलाता है डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कहाँ पे, इनसाइड डायलेक्ट्रिक, डायलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी क्या होती है भाई ई नॉट, ई नॉट मतलब क्या है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय के, ये ध्यान रखना है, और के क्या होता है वहां पे अपना के क्या कहलाता है डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो इस तरह से अपन किसी भी मटेरियल का डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट निकालते ना, देखते भाई उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड टू टाइम्स कम हो गई तो के टू हो जाएगा, फोर टाइम्स कम हो गई तो के फोर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो के तुम्हारा ये समझ में आ गया पहले के हमने किस तरह से डिफाइन करा है, ठीक है, हमने पढ़ा था एक रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ी थी, वो क्या होती है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस परमीएबल, नहीं हाँ परमिटिविटी, परमिटिविटी है ना, तो ये तुम्हारा क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी, परमिएबिलिटी अभी अपन ने पढ़ी नहीं है, परमिटिविटी वो चीज होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करती है, मतलब मीडियम की वो प्रॉपर्टी जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिपेंड करती है, और परमिएबिलिटी वो चीज़ होती है मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जिस पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ होती है। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी होता है, ये ध्यान रखना डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी एक ही चीज़ है, क्या बोलना चाह रहे हो तुम, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डायलेक्ट्रिक, अगर तुमने मान लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो डायलेक्ट्रिक के अंदर कितनी आ जाती है ई बाई के, तो बता डायलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है, ठीक है क्या। अब डायलेक्ट्रिक को हम क्या करते हैं कैपेसिटर के अंदर डाल देते हैं।